ये जो सेगमेंट है ये रोज़ बरोज़ मकबूलियत जो है इख्तियार कर रहा है पूरी दुनिया भर में, खासकर इस वजह से कि आप इस अंदाज़ से रहनुमाई फरमाते हैं कि एक तो वो आई ओपनर होता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें जहाँ पे बंदे की नज़र नहीं जा रही होती वहाँ पर उसकी वो नज़र चली जाती है। तो हज़रत आज का शुबा इस तरह का है कि बहुत हॉट टॉपिक बन चुका है कि पाकिस्तान में वेमेन राइट्स के हवाले से ये मसला खड़ा हो गया है। असल में वहाँ पे पाकिस्तान में वेमेन को तो मसाइल जो दरपेश हैं उससे तो किसी को इनकार नहीं, तो इसलिए वजह से वहाँ पे जो वेमेन राइट्स की जो तंजीम है उन्होंने एक नारा एक इस्तेमाल किया है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त जो है कंट्रोवर्सी का शिकार हो चुका है। असल में वो नारा अमेरिका में इस्तेमाल हुआ 80s में, माई बॉडी माई चॉइस, वो प्री बॉर्न बच्चों की अबॉर्शन के हवाले से था कि ये औरत की चूंकि बॉडी है तो सबसे ज़्यादा उसी को राइट होना चाहिए कि वो अपने जो है बच्चे को पैदा होने दे या अबॉर्शन करवा ले। अब ये सिर्फ अबॉर्शन और प्री बॉर्न अबॉर्शन के बारे में ये यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। अब पाकिस्तान की वो जो वेमेन एक्टिविस्ट हैं जो वेमेन राइट्स के हवाले से बात करना चाहती हैं उन्होंने ये नारा उर्दू में ट्रांसलेट करके मेरा जिसम मेरी मर्जी और इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और इसमें बहुत से शिक्के इन्होंने ऐड कर लिए हैं कि अब वो वेमेन मार्च कर रही हैं कि तुम्हारा मोज़ा मेरी मर्ज़ी नहीं है, तुम्हारा मोज़ा कहाँ है हमें क्या पता, यानी कि हम शोहर के हकूक़ पूरे करें ना करें हमारी मर्ज़ी, शोहर हमारे साथ खलवत इख्तियार करें ना करें ये हमारी मर्ज़ी, अबॉर्शन कराए ना करें, हम जो चाहे पहने जैसे चाहे बोलें जैसे चाहे करें ये हमारी मर्ज़ी। अब इसको डिस्कस इतना ज़्यादा किया गया कि वो टीवी पे बड़े मेजर चैनल्स पे इसको जब डिस्कस किया गया तो एक एक्टिविस्ट हैं बड़ी मशहूर मारवी सरमद, उनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया बड़े मारूफ जो ड्रामा निगार हैं खलील रहमान साहब से। ये दोनों अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहे थे टीवी पे जैसे कि हर कॉन्फ्लिक्ट के मौके पे किया जाता है। तो मारवी सरमद साहिबा ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया, उसके बाद जब खलील रहमान साहब को पॉइंट पेश करने का मौका दिया गया तो उन्होंने प्रोवोकिंग अंदाज में उनको बार बार कट करने की कोशिश की, उनको इंटरप्ट किया, जिसकी वजह से वो ज़रा थोड़े से गुस्से में आ गए और आपस में उन्होंने ऐसे कुछ अल्फाज नाशाइस्ता कलमा जो हैं वो एक्सचेंज किए, और ये एक बहुत छोटा सा प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। इस वक्त हर बंदे के दिमाग में ये तशवीश है कि सही रास्ता क्या है और वो आपसे इस मामले में रुजू करना चाहते हैं, हमारे पास बेतहाशा इसके हवाले से क्वेरीज आई हैं तो हम आपकी खिदमत में ये पेश करते हैं। अच्छा जी, बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। ये तो वाकई मैं भी देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, जैसे काफ़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई है पाकिस्तान में जी, और वहाँ जो औरत मार्च पे मर्द मार्च जो काफ़ी मार्च हुई है जी जी मार्च में शुरू हो गए हैं बिल्कुल और बिल्कुल काफ़ी सिलसिला जारी और शायद वो होने वाले हैं बल्कि तो। लेकिन ये कि पहली बात तो है कि इस पर बहुत उलमा इकराम ने भी तबसरे कर दिए हैं और जो भी माहरीन दानश्वर इस पर बातचीत कर रहे हैं, जी मेरा ख्याल है मज़ीद इसके अंदर किसी इजाफे की गुंजाइश भी बाकी नहीं है। और जो कंट्रोवर्सी आपस में हुई है और जिन दो नामवर लोगों के आपने नाम लिया है इनके आपस में जो गुफ्तगू एक्सचेंज उस पर भी तबसरे सारे हो चुके हैं, तो मैं नहीं समझता कि मेरी अभी इस पर कोई ज़रूरत बाकी है कि मैं उसमें कुछ कहूँ, क्योंकि यह कि कॉन्ट्रोवर्शियल मौजू है। और फिर यह कि यहाँ का एक नारा था उसको किस तरीके से वहाँ एक्सपोर्ट किया गया बिल्कुल तो वो भी आपने खुद भी जिक्र किया। तो पहली बात तो कि यह कहना कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो ठीक है अगर आपका जिस्म है और फिर यकीनन आपकी मर्जी होनी चाहिए, बिल्कुल ये बात जो बिल्कुल कॉमन सेंस उसूली बात है कि अगर आपका जिस्म है तो बस सही है आपकी मर्जी होनी चाहिए, क्योंकि जिसकी जो चीज़ होती है जब उसका मालिक होता है तो उसमें तसर्रुफ का हक उसी को होता है, है? और ये चीज़ अगर ये औरत जो नारा ये लगा रही है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो ठीक है अगर वो ये साबित कर देती है कि वो उसका जिस्म उसका है और उसको जिस्म की वो मालिक है तो तसर्रुफ का यकीन उसको हक है और किसी को उसके ऊपर हाथ डालने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन शर्त यह कि पहले ये साबित तो करें कि मेरा जिस्म है, बिल्कुल ठीक है ना, इसलिए कि मेरा जिस्म मज़हब को तो मैं बाद में लाता हूँ, पहले तो कानून अकल को ही लेके आए, बल्कि उसको भी छोड़े, इंसान की जो तख्लीकी और सिनफी तख्लीक जो है ये ज़बान हाल से बोल रही है कि जिस्म मेरा नहीं है। अगर मेरा जिस्म होता तो मैं बचपन से जवानी में कैसे मुंतकिल हो गया, हालांकि बचपन में तो मेरी कोई मर्जी नहीं थी, गैर शोरी तौर पर खुद ही जवान होता जा रहा हूँ, इसका मतलब है कि कोई और ज़ात है जो इस तसर्रुफ कर रही है, क्योंकि बचपन में तो बच्चे को पता ही नहीं कि मुझे बड़ा होना है, तो फिर भी बड़ा हो रहा है, फिर जवान होने के बाद बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, तो कोई जवान नहीं चाहता मैं बूढ़ा हो जाऊं, है? फिर कोई बूढ़ा नहीं चाहता मैं बीमार हो जाऊं, है? कोई बूढ़ा नहीं चाहता जो मैं मेरी टांगों के जान ना रहे, हाथों में ताब ना रहे, है?
और फिर कोई बूढ़ा नहीं चाहता मैं मर जाऊं, फिर ठीक है ना। इसका मतलब ये जिस्म के अंदर ये पूरे जो तसरुफात हो रहे हैं, ये ज़बानी हाल से तख्लीकी तौर पे बोल रहे हैं कि जिस्म के मालिक आप नहीं हैं, मालिक कोई और है कि जो इसको जो है इस्तेमाल कर रहा है, और आपको आरियत पर आपको बरतने के लिए एक चीज़ दे दी है जी जी, आपको जो इस्तेमाल के लिए एक बर्तन दे दिया, इस्तेमाल कर लें, आपको शरायतें देने वाले ने दे दी हैं। तो वही बात है कि जिस्म जो है अगर हमारी अपनी मर्जी हमारा होता, हम मालिक होते, तो मैं समझता हूँ कि कभी कोई मरता ना। सही बात है, क्योंकि जिंदगी का हर बंदा मालिक है, अपने जिस्म जान का मालिक है। जिस्म कभी ना बीमार होता, कभी कोई अंधा ना होता, कभी कोई ये बहरा ना होता। इसका मतलब ये हुआ कि ये असल में टेक्निकली ये नारी गलत है जी, नारी गलत है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसलिए कि जिस्म आपका है ही नहीं, आप उसकी मालिक है ही नहीं जी जी। मालिक कोई और है जो इसमें तसरुफ कर रहा है। हाँ, आपको कंडीशनल उस जात ने दे दिया है कि आप इसको इस्तेमाल कर लें, लेकिन इस्तेमाल उन्हीं शरायत के तहत करें जो आपको दी गई हैं। ठीक, पहली बात तो यह है कि लिहाजा ये कहना कि मेरा जैसे मेरी मर्जी। और दूसरी बात यह कि जैसे आपने बताया कि ये यहाँ से एक्सपोर्ट किया गया ये नारा जी जी, यहाँ तो वो सिर्फ वो प्री बॉर्न जो है वो जो चाइल्ड जो था जी जी, बच्चा जो था उसकी अबॉर्शन के हवाले से एक बात थी जी जी। अब पाकिस्तान में जाके वो और वाइड हो गया है, तो वही वाली बात है ना कि या वो बात असल में है कि हम लोग जब गोरा बनते हैं ना, गोरों से ज्यादा अंग्रेज बन जाते हैं, और अंग्रेज परेशान होता है असली मैं हूं कि ये है। ये असल में वो हुआ कि या इन्होंने जो नारा लगा उन्होंने बेचारों तो ये कहा कि हम सिर्फ अबॉर्शन के हवाले से भी बच्चा ठहर गया, मेरी मर्जी मैं रखू ना रखू, मैं हार्डशिप नहीं चाहती, मैं अबॉर्श कराना चाहती हूँ। और वो चीज भी यहाँ पे अभी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, उसकी भी इजाजत नहीं दी है, बहुत सी जो स्टेट में इजाजत नहीं बल्कि आम इजाजत गवर्नमेंट ने नहीं दी। ठीक है ना, तो मालूम ये हुआ कि यहाँ जिसकी आप नकल कर रहे हैं उनके यहाँ भी ये इजाजत नहीं मिली कि अबॉर्शन मर्जी से करवा लें। लिहाजा जो वो हुकूमतें जो कंजर्वेटिव हैं वो तो इसकी इजाजत अभी तक भी नहीं दे रही हैं। तो मालूम है कि जिस्म आपके अब नहीं है, ये वजह कि आप जो है यहाँ पर अमरीका में भी खड़े होकर को अपने जिस्म को आग लगाना चाहे तो सिक्योरिटी इदारे क्यों रोकते हैं, मुझे इसका जवाब दें। इसलिए रोकते हैं, जिस्म आपका नहीं है, इसलिए कि आपका जो जिस्म दुनिया में जब भेजा है ना अल्लाह ने, वो सिर्फ एक पर्सनल जात नहीं रह गई, उसके साथ दुनिया के हुकूक मुतल्लक हो गए। आप किसी की माँ हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की बहन है, किसी की बीवी हैं, किसी की मुलाजिम है, किसी की नौकर है, आपके जिस्म के साथ तो इतने हुकूक मुतल्लक हो गए, अब तो आपका अपना कोई राइट नहीं रहा उसके ऊपर। अल्लाह, अगर इस नस्बत से भी आप देखें तो आप अपने आप को आग नहीं लगा सकती। आप आग लगाएं कि आप किसी की माँ को मार दिया, आप अपने आप को आग लगाएं किसी की बेटी की आपने जला दी है, आप अपने आप को आग लगाएंगी किसी की बीवी को आपने आग लगा दी है। तो गोया कि आप तो ये जो समझना, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल बहुत छोटी नैरो एंगल से देख रही हैं। इसलिए यहां की दुनिया भी उसको आग लगाने नहीं देती। वो कोई पुल या मैनहट्टन के पुल से करा छलांग मार के मरना चाहे कोई, तो पुलिस क्यों नहीं मरने देती उसको? इसका मतलब वो कहते हैं मेरा जिसम मेरी मर्जी, डोंट टच। वो कहते हैं नहीं भी ऐसी तैसी, वो उसको क्रेजी पागल कह के उसको पकड़ लेते हैं कि भाई ये पागल है, इसको पता नहीं ये इसका ये एक जिसम ये एक नहीं, ये 11 हो चुका है, इसके साथ कितने लोगों के हुकूक मुतालक हो चुके हैं, इसका राइट नहीं रहा। लिहाजा ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि ये समझना। तो मैं ये कह रहा हूं कानूनी तौर पे, अकली तौर पे, लॉजिकली और तकनीकी तौर पे आप ये साबित नहीं कर सकते कि मेरा जिसम मेरी मर्जी। और इस्लाम और मजहब तो आपको वैसे मार्फत की और इलम की रोशनी दिखाता है, वो देखने की तो आप में ताब ही नहीं है। सही बात, वो उसकी उस पर तो मैं बात ही क्या करूं, इस्लाम तो चीज ही वो मुझे ऊपर की है। तो आप जिस सतह के लोग हैं उसी सतह से आप साबित नहीं कर सकते। बिल्कुल। और फिर दूसरी बात यह है कि ये बात जो मैंने जैसे बताया पाकिस्तान में गई तो वहां कहते हैं मसाला ज्यादा लग गया, और वो जब इतनी फैल गई कि हर चीज के अंदर जो उन्होंने नारे को ऐड कर दिया और एक ये कंट्रोवर्सी पैदा कर दी। और तीसरी बात ये कि मैं ये समझता हूं असल में ये दोनों फरीक ये एक आंख बंद करके बोल रहे हैं। अगर ये दोनों फरीक दोनों आंखें खोल लें, एक जी खातून का आपने नाम लिया वो, और एक जिन साहब का नाम लिया आपने वो जी, ये दोनों ये तो दो फर्द है असल में, तो दो नजरिए वहां खड़े हो गए ना, ये दो नजरिए ये दोनों जो फरीक है, अगर मैं ये समझता हूं ये असल में एक आंख बंद करके बात कर रहे हैं। जब एक आंख बंद करके बात करेंगे तो आप इस पहलू पर बात करेंगे, ये पहलू बिल्कुल इग्नोर हो गया जी। असल में अगर दोनों आंखें खोल के बात करें तो मैं समझता हूं ये कॉन्ट्रोवर्सी बनती नहीं है।
ये कंट्रोवर्सी की नौबत ही इसलिए आई है कि वहां का मुआशरा एक आंख बंद करके बात करता है। अच्छा, मसलन मैं मिसाल देता हूं, जो मर्द आज ये कह रहे हैं कि ये मेरे ये औरत मार्ज गलत है, नहीं होना चाहिए, है वो कहते अच्छी औरत के साथ हम खड़े हैं, बुरी औरत के साथ हम खड़े नहीं है, ठीक है ना जी। मैं कहता हूं, मैं एक मिसाल देता हूं, और ये मैं अमेरिका में बैठ के ये बात कर रहा हूं, लेकिन मैं हक की बात करने वाला आदमी हूं, अल्लाह तबारक व तआला हक की तायीद करते हैं। जामिया हफ्सा का नाम आपने सुना है जी, जामिया हफ्सा की पर्दा नशीन लड़कियां जी, जी। पर्दा नशीन औरतें, पांचों खुदा को याद करने वाली, जब उन पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए गए पिछले अदवार में, पिछले अदवार को भी छोड़ दीजिए, अभी ताजा दौर में उन पर जो जुल्म सितम ढाया जा रहा है जामिया हफ्सा की बच्चियों पर, उनसे ज्यादा अच्छी औरतें कौन हो सकती हैं जी। मुझे बताइए कौन से मर्दों ने मार्च निकाला उनके हक में, जिन जिन आप ड्रामा निगार की बात कर, उसने कितने बयानात इन पर्दा नशीन पाकीजा औरतों के लिए दिए कि यार इन पर्दा नशीन पाकीजा औरतें, वो जो अगर कहते हैं अच्छी औरत अच्छी औरत, तो उन पाकीजा पर्दा नशीन औरतों से अच्छी औरत कोई हो सकती है जो हर वो कुरान को हिफज करती है, हदीसों को आंखों से लगाती है, खुदा के सजदे करती है? वो बेचारी पर्दा नशीन औरतें सड़कों पर आके अपने हुकूक मांग रही हैं, उनको उनका खाना अंदर नहीं पहुंचाया जा रहा, उनको पीने के लिए नहीं दिया जा रहा, उनको बैठने के लिए नहीं दिया जा रहा, और उन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तो कौन सा मर्द मार्च उनके हक में निकला? तो सिर्फ तकरीर की हद तक इबारात होती है, हमारी असल में कैफियात और हकायक नहीं होते, इबारात होती है कि हम अच्छी औरत के साथ हम खड़े हैं। हम असल में अच्छी औरत की आपके यहाँ डेफिनेशन पता क्या है? आपकी माँ एक अच्छी औरत है, आपकी बहन एक अच्छी औरत है, आपकी बीवी एक अच्छी औरत है, आपकी बेटी एक अच्छी, जिन औरतों का किसी निस्बत से आपसे ताल्लुक है वो एक अच्छी औरत, ये आपके यहाँ डेफिनेशन। असल में अच्छी औरत को आप डिफाइन नहीं कर सकते। अगर अच्छी औरत आपके यहाँ वो है को जो अल्लाह अल्लाह के रसूल के यहाँ पाकीज़ा पाक दामन औरत है, जो गंदी ख्यानत और बेवफा करने वाली औरत नहीं है, किसी की दूसरे के बिस्तर पर लेटने वाली औरत नहीं है, तो फिर जामे हफ्सा से अच्छी औरतें तो आपको नहीं मिलेंगी। उनके लिए कितने मर्द मार्च निकले हैं, उनके लिए कितने बिल पास कराए गए हैं, उनके लिए कितनी आवाजें उठी हैं, उनको आप क्या कह देते हैं? वो दहशतगर्द हैं, वो तो टेररिस्ट हैं, वो तो टेररिज्म, उनका नाम ना लो, वो तो मगरब नाराज हो जाएगा, अमेरिका यूरोप नाराज हो जाएगा, अरे वो तो टेररिस्ट हैं। भाई अब आप उसको उस खाते में डाल रहे हैं? बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि आप एक आंख बंद कर लेते हैं, दूसरी आंख खोल के बात करते हैं। बिल्कुल। और इधर जो औरतें औरत मार निकाल रही हैं, उन्होंने भी एक आंख बंद की हुई है, इसलिए कि जो वाकई औरत मजलूम है, जो औरत बेचारी कुरान के साथ शादी करके जिसको जो उसकी जिंदगी को जो है फना कर दिया है, या कारोकारी के अंदर जो कत्ल हो जाती है, जो जगो देहातों के अंदर जो है वो वडेरे शाही की जो जुल्म सितम की चक्की के अंदर पिस रही हैं, आपने उनके लिए कभी आवाज नहीं उठाई? आप कभी मैदान में इस वजह से औरत मार्च निकाली हो? तो आप औरत मार्च एक फाशी और अयाशी को फैलाने के लिए एक औरत अयाशी और फाशी के साथ खुले बदन अपने आ जाए, जो चाहे पहन ले जो चाहे ना पहने, तो इसका मतलब आपने भी एक आंख बंद की हुई है। तो असल औरत बेचारी चक्की पिस रही थी, उसके लिए तो आप कभी निकली नहीं, ना कभी आपने उसके लिए कोई मुहिम चलाई, ना कभी कोई बिल पास कराया। आप तो मगरबी एजेंडे का एक नारा उसको लेके आ गई, और आके आप ये चाहती हैं कि एक अयाशी और फाशी जिसको कहते हैं और जिनसी बेहरवि, इसको आपने आजादी नाम दे दिया। ये आजादी नहीं है, ये तो बर्बादी है, और मुआशे इसी तरह बर्बाद होते हैं। इसलिए जो है ये भी एक आंख बंद कर रही है। इसलिए मैं कहता हूं अगर दोनों आंख दोनों खोल लें तो मैं ये कंट्रोवर्सी नहीं पैदा होगी, यहां तक हालात पहुंचेंगे नहीं, और एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर यहां तक नौबत ही नहीं आएगी। नौबत आ इसलिए रही है कि दोनों फरीक एक आंख खोलकर बात कर रहे हैं, दूसरी आंख बंद है, और जब हालात और वाकयात पेश आते हैं कोई किसी के लिए खड़ा होने को तैयार नहीं होता। क्यों? इसलिए नहीं होता कि बात वही है कि आपकी अच्छी औरत की डेफिनेशन क्या है, अल्फाज और इबारात की हद तक है, अमली इकदाम आपने भी कोई नहीं उठाया, अमली कदम आपने नहीं उठाया। और फिर दूसरी बात यह कि वो जो कंट्रोवर्सी आपस में हुई और तू तड़ाक हुई, आपने कहा कि वो जो बुरे कलमे कहे गए, हाँ उसके अंदर मैं ज़रूर, वो जो साहब जिनका नाम आपने लिया मारूफ ड्रामा निगार जो हैं जी जी, उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो वो नहीं करने चाहिए थे। ये इस्लाम भी इस तहजीब का, इस्लाम भी आपको कहता है, इस्लाम ने भी औरत की इस तरह की तोहिन नहीं की। ये तो बहुत बड़ी बात है, औरत तो औरत के, एक यहूदी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, सियासिता की हदीस है, और सलाम किया अस्सलामु अलैकुम, यानी आप पर बीमारी पड़े हलाकत पड़े, अस्सलामु अलैकुम नहीं कहा, अल्फाज बदल के बोल किया। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला तो ज़हीन थी, फौरन समझ गई,
اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیکم کہہ دیا، علیکم تم پر بھی وہی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ علیکم کی حقیقت نہیں سمجھی، انہوں نے اس کو جواب دیا، کہا کہ تجھ پر بھی بیماری پڑے، تجھ پر لعنت ہو، تجھ پر تباہی مچے، آپ نے ایسا سخت جواب دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں ماں عائشہ نہیں، تو ایسا نہ کہے، میں نے جواب دے دیا. کہا کہ یا رسول اللہ اس نے آپ کو اتنے برے الفاظ کہے بربادی کی. کہا کہ نہیں، میں نے اس کو علیکم کہہ کے اس میں جواب دے دیا کہ مجھ پر اس نے کہا بیماری ہلا کر پڑے، میں نے کہا علیکم تجھ پر بھی پڑے، برابر ہو گیا. اور فرمایا کیا فرمایا، فرمایا کہ مومن لان تان کرنے والا فوش گو نہیں ہوتا. اللہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے تنبیہ کی کہ مومن فوش گو اور لان تان کرنے والا نہیں ہوتا، اور جبکہ سامنے مرد ہے، اور اگر عورت سامنے ہو تو نبی تو کہا کرتے تھے کہ عورت عورت ہے، بیٹی بیٹی ہوتی بھلے کافر کی بیٹی ہو. بالکل حاتم تائی کی بیٹی آئی، آپ نے اپنی چادر دے دی، میری چادر بھی شاد ہو اس کے نیچے، کیونکہ بیٹی بیٹی ہے بھلے جناب وہ کافر کی بیٹی ہے. تو معلوم ہے کہ نبی پاک نے عورتوں کہتے، تبھی تو میدان جہاد میں بھی کہہ دیا ان باغیوں کی جو عورتیں ان کو بھی قتل نہ کرو. یہ باغیوں کی عورتیں ہیں نہیں، یہ صنف نازک ہیں، ہیں یہ کانچ کی چھیشی ہیں، ان کو کیا. تو وہ جو مشرق عورتیں تھیں جن کو آپ نے کہا ہاتھ نہ لگاؤ، قتل نہ کرو، ان کو احترام دو، تو کیا مطلب ہے؟ وہ ساری پاکیزہ نیک تقوی والی تھیں، وہ تو وہاں کے گندے معاشرے کا حصہ تھیں، لیکن نبی نے ان کو نہ برا کہا نہ کسی کو برا کہنے دیا. تو یہاں اگر ان ڈرامہ نگار جو صاحب ہیں انہوں نے جو کہا ان کو برا بھلے الفاظ کہے، اور کافی جو برے الفاظ کو ڈائریکٹ کہے، بالکل، تو اس کے سامنے والے کو تو افینڈ ہونا چاہیے، بالکل، اور یہ ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا. اور بے شک ان کے دماغ میں جو نظریہ تھا وہ ایک اچھے نظریے سے بات کہنا چاہتے تھے، لیکن انہیں غصے میں آ کے اپنا ٹیمپر لوز کیا، اور ٹیمپر لوز کر کے اپنی جو ڈگنیٹی کو انہوں نے متاثر کیا میری نظر میں. بھلے تائید کرنے والے بھی ان کے ساتھ ہیں، سپورٹر بھی ہیں، لیکن یہ کہ یہ بات جو انہوں نے کہی، لہٰذا ان کو اس طریقے سے اس کو ڈائریکٹ کہ گندی عورت کہنا، یہ کہنا کہ جسم میں تھوکتا کوئی نہیں ہے، تمہارا جسم، تم دیکھو جسم ہے کیا، نہ نہ یہ جسم، یہ تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. آپ کس سنیریو میں چلے گئے، آپ کیا سوچ کے اس پر ہی بات کر رہے ہیں، یہ میرا خیال یہ اس کی تو اسلام بھی گنجائش و اجازت نہیں دے گا. ہاں آپ کو الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ ایک اس انداز سے رکھنا چاہیے تھا کہ پتہ چلتا ہے ایک مومن بول رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو اس لیے میں نہیں اتفاق کرتا کہ انہوں نے یہ الفاظ، ان کی نیت پر مجھے شک نہیں ہے کہ نیت ان کی اچھی ہوگی اور وہ ڈیفنس کرنا چاہتے ہیں وہاں کے مغرب مشرق کی اقدار کی، لیکن جو الفاظ اور انداز اختیار کیا ہے اس میں وہ مسٹیک کر گئے. اور ادھر جو خاتون ہیں، ان خاتون نے بے شک ان کی نیت اچھی ہوگی لیکن ان کو طریقہ کار انہوں نے غلط اختیار کر لیا، اور غلط طریقے سے انہوں نے اس نعرے کو پیش کرنے کی کوشش کی. نتیجہ ہے کہ کھلے بندو جناب، کھلا سینہ کھلے سر کے ساتھ آ کے جناب اس کو آپ نے آزادی مارچ رکھا حقوق کا، نہیں، یہ انہوں نے بھی یہ طریقہ کار غلط اختیار کیا ہے. لیکن اگر یہی بات ہے عورت کا حق عورت ہے، تو پھر یہی میں ان صاحبہ سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ جامع حفصہ کی عورتوں کے لیے یا اور کسی مدرسے کی عورتوں کے لیے انہوں نے بچیوں کے لیے کتنے جلوس نکالے. کیا وہ جامع حفصہ کی بچیاں عورتیں نہیں ہیں؟ وہاں کی استانی عورتیں نہیں ہیں؟ وہ پاک دامن پاکیزہ عورتیں نہیں ہیں؟ اس کو تو آپ فنڈامنٹلی سمجھ کے، ان کو ٹیررسٹ سمجھ کے آپ ان کو بالکل جو اس میں معطل بنا رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو سب اپنی مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے، خلاصہ یہ اپنی مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے، اور مفادات بھی وہ جو مغربی دنیا، مغربی دنیا جس کے اوپر جو مور لگا رہا ہے تصدیق کی، اس کی جنگ آپ لڑتے ہیں، اور یہ مفادات کی جنگ ہے. اس کے اندر انسان کی حقیقی درد کیا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں جو پاکستان میں اس وقت دانشور بول رہے ہیں، علماء کرام بول رہے ہیں الا ماشاء اللہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دونوں آنکھوں کو کھول کے جو بولے تو حقیقت وہ ہے. اس لیے دونوں طرف جو ہے ان بیلنس صورتحال ہے، لہٰذا جب یہ بیلنس اور توازن معاشرے میں ہمارے پیدا ہوگا دونوں طرف سے، تو انشاءاللہ جو ہے اس قسم کی کوئی نوبت نہیں آئے گی. فحاشی کا نام آزادی نہیں ہے، اسی طریقے سے ظلم کا نام جو ہے وہ عدل نہیں بن سکتا. بہت شکریہ حضرت، ویری گڈ، بہت ہی خوبصورت آپ نے انداز سے دونوں میں بیلنس پیدا کیا.